फ्रेंड्स, मैं सी रेनू सिंगल आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लॉ नॉलेज पे स्वागत करती हूँ। नोटिफिकेशन नंबर 86 जो 10 नवंबर को इशू हुआ था, उसने नोटिफिकेशन नंबर 76 को रिसेंट कर दिया है। इससे बहुत लोगों में GSTR-3B की ड्यू डेट को लेकर बहुत कंफ्यूजन आया। इसको हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में एंड समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इसे अच्छे से समझना हो तो आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि नोटिफिकेशन नंबर 76 ने ऐसा क्या दिया था जिसे नोटिफिकेशन नंबर 86 ने रिसेंट कर दिया। नोटिफिकेशन नंबर 76 आया था 15 अक्टूबर को, जिसने सारे ड्यू डेट्स को स्पेसिफाई किया था। अक्टूबर से लेकर मार्च तक GSTR-3B की ड्यू डेट्स क्या होंगी। अगर टर्नओवर आपके 5 करोड़ से ऊपर है तो 20 तारीख, और अगर टर्नओवर आपके 5 करोड़ या उससे कम है, डिपेंडिंग अपॉन आपका रजिस्ट्रेशन किस स्टेट में है, तो आपके ड्यू डेट 22 तारीख और 24 तारीख दी गई थी। इसको रिसेंट कर लिया नोटिफिकेशन नंबर 86 ने। नोटिफिकेशन नंबर 86 में बताया था कि जो 76 नोटिफिकेशन था 15 अक्टूबर को आया था, उसे रिसेंट कर लिया। क्यों कर लिया गया? क्योंकि जैसे कि फ्रेंड्स आपको याद होगा, मैंने पिछले वीडियोस में आपके साथ नोटिफिकेशन नंबर 81 डिस्कस किया था, जिसमें एक फाइनेंस एक्ट का एक सेक्शन को इम्प्लीमेंट किया गया था, सेक्शन 97, और उसमें अमेंडमेंट थे सेक्शन 39 में, जो कि GSTR-3B से डील करता था। उसमें हमने पुराने क्या दिया हुआ था और नया क्या था दोनों को कंपेयर करके बताया था। जो पुराना सेक्शन 39 था, वहाँ 3B की डेट गिवन थी 20 तारीख, और जो न्यू सेक्शन अमेंड होकर आया 39, उसमें 3B के ड्यू डेट को वहां से हटा दिया गया और लिखा गया एज प्रिस्क्राइब। और हम सब जानते हैं कि प्रिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, रूल में दिया जाएगा, क्योंकि वो डेट हमारे पास एक्ट में दी हुई थी। इसीलिए बार बार नोटिफिकेशन ला के 22 और 24 डेट को डिफाइन करना पड़ता था, पर अब क्योंकि एक्ट से वो डेट को डिलीट कर दिया गया है तो रूल्स को अमेंड किया गया थ्रू नोटिफिकेशन नंबर 82। अब हम 82 पे चलते हैं कि उसके अंदर क्या अमेंडमेंट हुई है। ये है हमारा नोटिफिकेशन नंबर 82। इसके अंदर देखिए पॉइंट 4 के अंदर रूल 61 में एक सब रूल ऐड किया गया, सब रूल 5। इसमें 3B के डेट को स्पेसिफाई किया गया। ऐसे जब आप कंपेयर करेंगे तो ये एज इट इज जो नोटिफिकेशन नंबर 76 आया ऐसे उसको ही पेस्ट किया गया है। यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर उन्होंने बताया है कि 20 तारीख अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो। इस प्रोवाइडेड के अंदर सेकंड प्रोवाइडेड में बताया गया कि आप इस स्टेट्स में हैं और आपके टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो 22 तारीख, और अगर आप इन स्टेट में हैं तो 24 तारीख की ड्यू डेट्स बताई गई। पर अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ लिखा है अक्टूबर से मार्च के लिए। अब अक्टूबर से मार्च के लिए GSTR-3B की डेट बताई गई है 20, 22 एंड 24 अगले महीने की, और मीन्स 3B को यहाँ पे वो मंथली फाइल कर रहा है। पर अभी हम देखते आ रहे हैं, सभी को पता है कि जनवरी से न्यू रिटर्न इम्प्लीमेंट होने जा रही है, जिसमें GSTR-3B को क्वार्टरली फाइल करने का ऑप्शन दिया जाएगा अगर टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम की है। तो यहाँ पे डेट कैसे स्पेसिफाई कर दी गई है, यहाँ पर एक बार उन्होंने बता दिया है अक्टूबर से मार्च तक ये डेट होगी। पर साथ में उन्होंने पॉइंट नंबर 5 के साथ रूल नंबर 61 को पूरा ही सब्स्टिट्यूट कर दिया है, और इसको कब से इफेक्टिव में लाने वाले हैं वो 1 जनवरी 2021 से। तो फ्रेंड्स यहाँ से कंफ्यूजन खत्म हो जाता है कि अक्टूबर से दिसंबर तक की GSTR-3B की डेट अब नोटिफिकेशन नंबर 76 रिसेंट होने से मतलब ये नहीं है कि अभी से क्वार्टरली आ गया है, या फिर जो सब रूल 61 में ऐड हुआ है उससे ये मतलब नहीं निकालना है कि अक्टूबर से मार्च तक के लिए हमारी मंथली फाइल आ रहा है, क्योंकि रूल 61 1 जनवरी 2021 से सब्स्टिट्यूट होने जा रहा है, और जिसके अंदर क्वार्टरली GSTR-3B की बात की जा रही है। तो इन दोनों की हम कंबाइंड रीडिंग करें तो इसका मतलब ये निकलता है मेरे अकॉर्डिंगली कि अक्टूबर से दिसंबर के लिए GSTR-3B मंथली है, और उनकी ड्यू डेट आपके टर्नओवर पर डिपेंड करती है। पर जनवरी ऑनवर्ड क्योंकि रूल 61 को पूरा सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, तो आप 1 में देखेंगे मंथली फाइलर की डेट दी गई है 20 तारीख, और 2 में देखेंगे प्रोवाइजो 2 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 39। ये हम पहले भी नंबर ऑफ वीडियोस में देख चुके हैं प्रोवाइजो का मतलब,
प्रोविजो ऑफ सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 का मतलब है क्वार्टरली 3B। उसकी डेट बताई गई है यहाँ पर हमें कि अगर आप इन स्टेट्स में है तो 22 तारीख उस क्वार्टर के एंड के बाद, और इन स्टेट्स में है तो 24 तारीख उन स्टेट क्वार्टर के बाद, मीन जनवरी से मार्च के बाद आपको 22 अप्रैल तक भरना है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात में एक्सेट्रा है, और आपको जनवरी से मार्च तक की 3B आपको कब तक फाइल करनी है, 24 अप्रैल तक, अगर हमारा रजिस्ट्रेशन हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड एक्सेट्रा में है। तो होप सो GSTR-3B की क्या ड्यू डेट्स हैं, इसमें अच्छे से हमें इस वीडियो को देखने के बाद क्लैरिटी आ गई होगी। फ्रेंड्स, न्यू GST रिटर्न से रिलेटेड हम एक वेबिनार लेकर आ रहे हैं 28 नवंबर को शाम को 4 बजे। अगर आप चाहते हैं कि आपको उस पर अच्छे से कमांड आ जाए तो प्लीज हमारे उस वेबिनार को आप जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।